दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ नियम और एक रेमेडी बताऊंगा जिससे आप अपनी उम्र से बहुत ज्यादा यंग दिखोगे और आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा फर्क आएगा। दोस्तों ये नियम बहुत ही आसान है लेकिन कुछ लोग इन नियमों के बजाय दवाओं के भरोसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं या किसी भी बीमारी के फलस्वरूप डॉक्टरों की ओर रुख करते हैं। लेकिन अगर वो पहले से ही इन नियमों को आजमा लें तो यंग भी दिखेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। चलिए जानते हैं उन नियमों और रेमेडी के बारे में। दोस्तों पहला नियम यह है कि सुबह सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले आधा लीटर हल्का गर्म पानी पिएं। सुबह उठते ही बासी मुंह सबसे पहला काम आपको यही करना है, जी हाँ, ब्रश करने से पहले करना है। हल्का गुनगुना गर्म पानी आपको पीना है। दोस्तों ये सबसे सुनहरा पीरियड होता है आपके शरीर का जब रात भर आपके शरीर में रिपेयर का काम किया होता है, बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज किए रहते हैं। जब आप खाली पेट हल्का गर्म पानी पिएंगे तो ये उस हार्मफुल टॉक्सिन्स को आपके शरीर से निकाल देगा। इसके 30 मिनट के बाद आपको अलसी खाना है। लगभग 15 ग्राम अलसी भुना हुआ या फिर आप ऐसे ही खा सकते हो। 15 ग्राम अलसी और थोड़ी सी मिश्री खाकर एक कप वापिस हल्का गर्म पानी या फिर ग्रीन टी पी लो। दोस्तों अलसी से आपका मेटाबॉलिज्म 25% तक बढ़ जाएगा जिसके कारण आपको वेट लॉस करने में बहुत ही आसानी होगी। इससे पाचन दुरुस्त रहेगा, साथ ही साथ टॉक्सिन्स के बाहर निकल जाने के कारण आपका स्किन यंग और चेहरे पे चमक रहेगा। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसमें लगभग 50% ओमेगा 3 फैटी एसिड अल्फा लिनोलिक एसिड के रूप में होता है, हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता, इसे भोजन के माध्यम से ही लेना पड़ता है, फूड के थ्रू ही लेना पड़ता है। गर्म पानी पीने और अलसी खाने से जो फायदे होते हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको कुछ मोटा मोटी फायदे बताता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन अप करता है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। दोस्तों अलसी कोलेस्ट्रॉल कम करता है, अगर आप ज्यादा ऑयली फूड खाते हो तो अलसी खाना शुरू करो, ये वजन घटाने में हेल्प करता है, पीरियड्स के दर्द में हेल्प करता है। जिनका भी पीरियड्स देर से या फिर जल्दी आता है उनको अलसी खाना चाहिए। अलसी खाने से आपको बीमारियां छू भी नहीं सकेगी क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अलसी खाने के एक नहीं बल्कि अनेक फायदे हैं। इसे खाने से आपके नाखून मजबूत होते हैं, इसके अलावा बालों को मजबूत करता है, डैंड्रफ खत्म करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हों, समय से पहले सफेद हो रहे हों तो ये उसको रोकता है। इसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ाता है। अलसी खाने से आपकी अंदरूनी ताकत भी बढ़ती है। दरअसल अलसी खाने से आपके अंदर का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फेरोमोन हार्मोन स्त्रावित होते हैं जिससे आपकी अंदरूनी क्षमता बढ़ेगी। अलसी का सेवन मधुमेह यानी डायबिटीज के स्तर को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल करता है, दिल से जुड़ी बीमारियों को बचाता है। अलसी खाने से हार्ट अटैक की संभावना 50% तक कम हो जाती है, ये हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होने देता, ये कैंसर से बचाव करता है, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आने देता, आपको समय से पहले बूढ़ा नहीं होने देता और लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है। जिनके भी हाथ पैर में दर्द रहता हो, अर्थराइटिस की समस्या हो, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द रहता हो, उनके लिए भी अलसी बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों अगला नियम यह है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। बहुत सारे लोग ऐसे ही खाना खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद गटागट पानी पी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो यह आपकी जठराग्नि को डाइल्यूट कर देता है, आपकी डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट कर देता है, पतला कर देता है, जिससे आपकी जठराग्नि वीक पड़ जाती है और आपका खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसलिए आपको पानी पीना ही है तो खाना खाने के कम 1 घंटे के बाद पिएं, तब तक आपका पाचन ठीक ढंग से हो जाएगा। अगर बीच में आपको प्यास लगे, पानी की जरूरत महसूस हो तो पानी की जगह छाछ पिएं, बटर मिल्क पिएं। अगर बटर मिल्क ना भी हो तो 1 या 2 घूंट हल्का गर्म पानी पी सकते हो। दोस्तों अगली चीज है खाना खाने के बाद, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, खासकर वे लोग जो नॉनवेज खाते हैं, बहुत सारे से लोग कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं। उस पे उन लोगों का तर्क ये रहता है कि इसको पीने से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, जबकि ये सरासर गलत है। जब आप खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो यह आपके शरीर में एसिडिटी को बढ़ा देता है, साथ ही साथ ये आपके डाइजेस्टिव जूसेस को भी इंटरफेयर करता है। तो ये बुरी आदत भी आप खाना खाने के बाद तुरंत बाद ना करें और हो सके तो ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीना हमेशा के लिए बंद कर दें। आपको पीना ही है तो बटर मिल्क पीजिए, छाछ पीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहाना भी बिल्कुल
गलत है। खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। और बहुत सारे से लोगों की आदत होती है सोने की। जी हाँ, खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारे से लोग सो जाते हैं। रात को जब वो खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर चले जाते हैं। आपके शरीर को वो चांस ही नहीं मिल पाता एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने का। इसलिए खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद ही सो जाएं। तो यूं कहिए कि सोने के 2 या 3 घंटे पहले खाना खा लें। लेट नाइट खाना खाना एक बहुत ही बुरी आदत है, जिसके कारण आपका वजन बढ़ता है, आपको स्ट्रेस होता है, खाना ठीक से नहीं पच पाता, खाना आप जो भी खाए हैं उसका पौष्टिक तत्व आपके शरीर को नहीं मिल पाता। इसलिए आप रात को खाना कम ही खाएं और खाना 2 से 3 घंटे पहले खाएं। दोस्तों, आप इन कुछ नियमों को गांठ बांध लेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य का और अपने लुक्स का कायाकल्प कर लेंगे। हमने जो नियम बताए हैं इसे जरूर अपनाइए और देखिए आप लंबे समय तक जमा दिखोगे और बीमारियां आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। दोस्तों, हमने जो नियम बताए हैं ये नियम अपने पूरे परिवार को, अपने दोस्तों को भी बताएं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि आपके दोस्त और परिवार स्वस्थ रहे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।